मेरा एक सुझाव है, आपने 5 और 6 के तो एक अच्छा कार्यक्रम की रचना की है, इस बार 8 मार्च को हमारा सदन चलता होगा, अंतर्राष्ट्रीय महिला दिवस है, उस समय का 8 मार्च का जो एजेंडा है वही रहे, लेकिन हम तय कर सकते हैं क्या कि 8 मार्च को सिर्फ हमारे वीमेन मेंबर ही बोलेंगे? हम हमारे संसदीय गतिविधि उसी प्रकार से उसी प्रकार से हम बहुत समय, हमारे समय ऐसा था, आपके समय ऐसा है, आप ऐसे हैं, हम वैसे हैं, ये हम करते रहते हैं, और देश को अब हमारे विषय में पूरा पता है, इसलिए देश को कोई तकलीफ नहीं। हम सब कौन हैं, कहाँ खड़े हैं, क्या सोचते हैं, देश पूरी तरह जानता है। लेकिन क्या मैं सभी वरिष्ठ महानुभाव से मार्गदर्शन चाहूँगा कि क्या हम वर्ष में 2 सत्र के समय या 1 सत्र तय करें, उस पूरे सत्र के दरमियान 1 वीक ऐसा हो कि जिस वीक में सिर्फ जो फर्स्ट टाइमर एमपी है उन्हीं को बोलने के लिए निमंत्रित किया जाए। हम इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं, इसलिए नहीं कि मैं फर्स्ट टाइमर हूं, लेकिन हमें एक ताजगी भरी हवा इस सदन में विचारों की आवश्यकता मुझे महसूस होती है, और मुझे भरोसा है, मैं जानता हूं जिस प्रकार से आपके कार्यक्रम में ये जो नए एमपी रुचि ले रहे हैं, इससे मुझे लगता है कि उनको अवसर देना चाहिए। वे देश के लिए बहुत सी चीजें नई हमारे सामने रख सकते हैं, उस पर हम कुछ कर सकते हैं।